हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। सीएचएस का जो हमारा सामाजिक अध्ययन का दोस्तों जो पहला चैप्टर था वो था इतिहास, जो कि हो चुका है ख़त्म। मैंने आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो मेन पॉइंट थे दोस्तों वो सारी बातें बता दी। अब जो हमारा दूसरा चैप्टर है दोस्तों वो है ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी कुछ खास नहीं, बहुत खास है। ज्योग्राफी पढ़ने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको भी ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखिए, ज्योग्राफी भी दो टाइप की पढ़ी जाती है। एक तो हम अपने भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एक हम विश्व की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। उसमें भी दोस्तों एक मैप वाला होता है, एक बिना मैप वाला होता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट आपको मैप में बताना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने भारत की दो मैप लिए हैं। एक तो जिसमें राज्यों को नहीं दर्शाया गया, एक विश्व राज्यों को दर्शाया गया। इससे हम आपको बता देंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, कौन सा राज्य कहाँ पे है, यदि आपको नहीं पता होगा तो। तो दोस्तों, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप मन लगा के पढ़े तो ठीक है दोस्तों। ज्योग्राफी आपको बता दे तो देखिए, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर उसके बाद मैं बताऊँ तो ज्योग्राफी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। अब और अगर अभी आप और आगे पढ़ेंगे ना तो ज्योग्राफी चार प्रकार की होती है, ठीक है। लेकिन हमें केवल अपने भारत वाली ज्योग्राफी से मतलब है, ठीक है। तो हम लोग केवल भारत की ज्योग्राफी को ही पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अभी इस मैप का कहीं प्रयोग नहीं है, जब आएगा तब हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ देखिए, जनगणना से संबंधित कुछ तथ्य दिया है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर आपको मैप से समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो पहला तथ्य लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो लिखा हुआ है कि देश की कुल जनसंख्या। क्या लिखा हुआ है? देश की कुल जनसंख्या। तो दोस्तों, जो हमारा भारत देश है, देखिए आप मैप में देखिए, ये हमारा इसमें नहीं, इसमें देखिए, ये हमारा भारत है, देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, भारत है। ये जो साइड वाला एरिया, ये पाकिस्तान है, क्या है, ये जो बॉर्डरिंग है ये पाकिस्तान की है, और ये जो आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान, और इधर हमारा क्या है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इधर साइड में म्यांमार, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, हमारा भारत केवल ये ऐसे यही हमारा भारत है, ऐसे घुमा घुमा ये हमारा भारत है, ठीक है। तो देखिए, अब पहले ये बात कर ले कि भारत का आखिरकार क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो आप लोगों को बता दी दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल, सॉरी अभी जनगणना है, क्या है, जनगणना, क्षेत्रफल भी आपको पता चलेगा, 32,87,000 ऐसे है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, लगभग में दोस्तों 32 लाख है, उसके बाद 87,200 ऐसे कुछ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या बताते हैं कि जो सन 2011 की दोस्तों जनगणना हुई थी, उसमें हमारे देश की दोस्तों जो कुल जनसंख्या थी वो 121.05 करोड़ थी। मतलब दोस्तों 1 अरब 21 करोड़ हम मान लेते हैं लगभग में, कितना, 1 अरब 21 करोड़ हमारे भारत की जनसंख्या है, कितना है, 1 अरब 21 करोड़। आपको बता दें, विश्व में हमारे भारत का जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है, पहला किसको है, चीन को है, और दूसरा हमारे भारत को है, ठीक है। देखिए, तो देश की कुल जनसंख्या कितनी है, 1 अरब 20 करोड़ 21 करोड़ कुछ भी कहिए, ठीक है। वैसे इसको अप्रॉक्स में बोलते हैं 1 अरब 20 करोड़, लेकिन आप लोग 21 याद रखिए, क्योंकि पेपर की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करिए, इस जनसंख्या में कितनी जनसंख्या शहर में निवास करती है दोस्तों, तो 37.7 करोड़ ही शहर में निवास करती है, बाकी सब गांव में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर कह रहा है कि जनसंख्या का विश्व में प्रतिशत, तो दोस्तों आप इसका मतलब समझिए कि अगर मैं पूरे विश्व की बात करूँ, कहाँ जाऊँ दोस्तों, पूरे विश्व में अगर मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, 100 लोग रहते हैं, तो ये बताइए भारत में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में हमारा भारत भी आएगा। तो दोस्तों, यदि पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं, तो भारत में 100 में से 17.5 लोग कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि जनसंख्या का विश्व में प्रतिशत दोस्तों 17.5% जनसंख्या के मामले में, पूरी जनसंख्या का दोस्तों, पूरी पृथ्वी की बात करिए, ठीक है, पूरी पृथ्वी की जितनी भी जनसंख्या होगी उसका 17.5% हमारे भारत की जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, मतलब दोस्तों जो लिंग का अनुपात है वो कितना, वो भी प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए हमारे भारत की, ठीक है, हमारे भारत में दोस्तों 1000 पुरुष के पीछे 943 महिलाएं हैं, कितना है, 1000 पुरुष के पीछे 943 महिलाएं हैं,
ठीक है। उसके बाद देखिए जनसंख्या का घनत्व दोस्तों, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब दोस्तों एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, समझ गए घनत्व डेंसिटी कितनी है, तो एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। जन्म दर दोस्तों अगर अगर 1000 लोग क्या हो रहे हैं, कह रहा है कि जन्म दर 21.1 प्रति 1000 जनसंख्या, 1000 जनसंख्या पे 21 लोग क्या है जन्म दर, मतलब क्या हो रहे हैं पैदा हो रहे हैं 1000 जनसंख्या। और मृत्यु दर दोस्तों 1000 में से 7.2 लोग क्या हो जा रहे हैं मर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए जो शिक्षा मतलब कि लिंगानुपात हो, मृत्यु दर हो, जन्म दर हो, ये सब 1000 पे तय होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए शिशु मृत्यु दर, अभी तो ये मृत्यु इसमें शिशु के साथ साथ बूढ़े बुजुर्ग सब थे, लेकिन खाली शिशु मृत्यु दर की बात करें दोस्तों तो 1000, मतलब अगर 1000 जीवित बच्चे जन्म ले रहे हैं जिसमें से 47 बच्चे क्या हो जा रहे हैं मर जा रहे हैं, इसका मतलब ये 47 प्रति 1000 जीवित जन्म, ठीक है। 47 प्रति मतलब क्या होता है एक भी आप कह सकते हैं, प्रति 1000 मतलब 1000 जीवित में क्या हो रहे हैं 47 क्या हो जा रहे हैं बच्चे मर जा रहे हैं। उसके बाद प्रशासनिक आयु दोस्तों, जन्म के समय कितनी है, आजकल के लोगों की दोस्तों आयु है वो लगभग 65 साल, 65 साल से ज़्यादा आजकल कोई जी नहीं रहा है, ठीक है। 65 साल माना गया है, एक मानक दिया गया है कि लगभग देखिए अगर हमारे भारत में 100 लोग हैं तो 100 में से मान लीजिए कम से कम 80 तो 65 साल जी रहे हैं, बाकी जो 20 बचे वो 100 साल 90 साल 80 साल ऐसे ऐसे जीते। तो अगर देखिए ये जो प्रशासनिक आयु है दोस्तों, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों का औसत लेके हैं, और बात करें कि भारत में दोस्तों कितने पुरुष कितने साल तक जीवित रहते हैं तो 62.6। अब ये आप ये मत कहिएगा कि मेरे पापा तो मेरे दादा तो 90 साल जिए थे, देखिए आपके दादा मैंने अभी क्या बताया कि यदि भारत में 100 लोग रहते हैं तो 80 लोग दोस्तों 62 की ही उम्र में मर जाते हैं, बाकी जो बचे वो अपवाद में हैं, वो 100 साल जी ले, 150 साल जी ले, 200 साल जी ले, अब 500 साल जी ले, उनकी बात अलग है, ठीक है। अब दोस्तों यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं दोस्तों 64.2 वर्ष, ठीक है, महिलाएं कितनी 64.2 वर्ष। उसके बाद देखिए साक्षरता दर, हमारे भारत की साक्षरता दर क्या है दोस्तों 73% है, कितनी है 73%, मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे परसेंटेज कितने का होता है 100 का, यानी 100 में 73 लोग पढ़े हैं, बाकी जो बचे 27 लोग क्या हैं अनपढ़ गवार हैं, समझ रहे हैं। साक्षरता दर हमारे भारत की कितनी है, उसमें जब 2011 की जनगणना की गई तो पाया गया कि भारत में केवल 73 लोग ही पढ़े हैं, 73 लोग का मतलब 73%, मैंने 73 लोग इसलिए कहा क्योंकि यदि 100 लोग होंगे तो 73 लोग पढ़े होंगे, बाकी 27 क्या होंगे नहीं पढ़े लिखे हैं। तो अब जितनी भी हमारी भारत की जनसंख्या है उसका 73% निकाल लीजिए, जो आएगा उतने लोग क्या हैं पढ़े हैं। और अगर बात करें पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं दोस्तों, तो देखिए पुरुष में 80.9% लोग पढ़े लिखे हैं और महिलाएं 64.60 लोग पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। देखिए ये तो हमारे पूरे भारत का था, इसमें जो है पुरुष और महिलाएं मिला के है। अब खाली यदि पुरुष को लिया जाए दोस्तों, भारत में जितने भी पुरुष हैं सबको गिना जाए और उसमें से आपको 80% लोग, करीब 81% लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, और यदि आप सारी महिलाओं को इकट्ठा कर लीजिए तो आपको करीब अप्रॉक्स में 65% औरतें ही पढ़ी हुई मिलेंगी। यदि आप पुरुष और महिलाओं दोनों को इकट्ठा करिए तो आपको 73% मनुष्य पढ़े हुए मिलेंगे, मनुष्य में नर और मादा दोनों आएंगे, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य दोस्तों हमारे भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, कितना कौन है दोस्तों केरल है, आप विश्वास नहीं करेंगे। यदि केरल में 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 94 पढ़े लिखे हैं, बाकी 6 जो बचे वही अब पढ़े लिखे नहीं है, सोचिए सब तो पढ़े लिखे हैं, 6 लोग का मतलब क्या है, 6 लोग तो वैसे भी अपो आदमी हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल, 94% लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता मतलब वो शिक्षा से लेके, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य दोस्तों बिहार है, बिहार 61.80%, मतलब दोस्तों 62%। अब बताइए लेकिन कौन है बिहार, लेकिन बिहार में दोस्तों बहुत अच्छे सर टीचर पाए जाते हैं, अब जैसे खान सर को ही ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय, बहुत ज़्यादा और बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा भी लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, बिहार है
8.0%, मतलब दोस्तों 61 आप समझ सकते हैं, अगर मैं इसको 60 कर दूँ तो बचे कितने 40 या 39 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बाकी 61 लोग ही पढ़े लिखे हैं। तो कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, मतलब दोस्तों किस राज्य में बहुत तेज़ जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो मेघालय है। कौन है दोस्तों? 28%। कितनी होती है हर साल? 28 हर साल, कहाँ जनगणना 10 साल बाद होती है। उसके बाद देखिए, तो देखिए सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है दोस्तों? बिहार है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य केरल है। और बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य दोस्तों मेघालय, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला दोस्तों राज्य नागालैंड है, ठीक है, नागालैंड 1% सबसे कम वृद्धि होती, 1% भी नहीं बढ़ता इस राज्य में, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहती हूँ, ठीक है। कितना है? 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश यानी यूपी की जनसंख्या है। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम, 61 लाख लोग, कितने लोग, कितने दोस्तों? 61। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। कौन है? यूपी। कौन है दोस्तों? यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों सिक्किम है। कौन है? सिक्किम, 61 लाख। और देखिए कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। मतलब जनसंख्या घनत्व का दोस्तों आप समझ लीजिए कि 1000 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग ही रहते हैं, 1000 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग ही रहते हैं। तो क्या ये डेंसिटी है? कहाँ डेंसिटी है? 1000 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग काफ़ी दूर दूर घर होगा, यहाँ से फाफा मऊ ऐसे ऐसे घर बने होंगे। आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दोस्तों बिहार में है। कहाँ है? बिहार में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी उसकी जनसंख्या के मामले में उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य दोस्तों केरल है। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों, लिंगानुपात किसका है? केरल का है। 1000 पुरुष के पीछे 1084 महिलाएं हैं, मतलब 1000 लड़के हैं और 1084 लड़कियां हैं। तो स्त्री पुरुष अनुपात सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? केरल का है। केरल सबसे ज़्यादा पढ़ने में भी है, शिक्षित है, इसीलिए यहाँ के लोग बेटियों को मारते नहीं, बाकी सब तो अनपढ़ गवार हैं। सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा का है। कहाँ है? हरियाणा का। हरियाणा में दोस्तों 1000 लड़कियों के पीछे 889 लड़के, मतलब 1000 लड़कों के पीछे 889 लड़कियां हैं, ठीक है। तो सोच लीजिए 900 भी नहीं है पूरा, 1000 लड़के हैं और 989 लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, कोख में ही ख़त्म कर दिया जाता है, जिस वजह से हरियाणा का लिंगानुपात बिल्कुल एकदम से देखिए एकदम से कम है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है। आप जान सकते हैं केरल में क्यों? क्योंकि केरल के लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, वो बेटे और बेटियों में कोई भेद नहीं समझ रहे हैं, और यहाँ के लोग बेटा भाई पैदा करेंगे। अब देखिए अभी तक तो जनगणना से संबंधित कुछ तथ्य थे बता दिए, अब बात करते हैं क्षेत्रफल, किससे आते हैं? क्षेत्रफल। ध्यान रहे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे बस केवल अपने भारत की, तो जो भी चर्चा होगी दोस्तों हमारे भारत, भारत के राज्यों के बारे में ही होगी। तो यहाँ देखिए देश का कुल क्षेत्रफल, देश का जो हमारे क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। कितना है याद कर लीजिए? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत, मतलब दोस्तों विश्व, अगर विश्व में विश्व का कितना प्रतिशत हमारे भारत है, विश्व के कितने क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हमारे भारत का क्षेत्रफल है? तो दोस्तों 2.40% है। कितना है? 2.40%। अगर मान लीजिए, मान लेते हैं 100%, ठीक है, अगर मान लेते हैं ये पूरा विश्व का है और इसका 2% हमारे भारत का क्षेत्रफल है। भारत का दोस्तों देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है विश्व के स्तर पे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है। कैसा है दोस्तों? 7वां, पहले पे रूस आता है, कौन आता है? रसिया। देखिए 7वां स्थान। उसके बाद देखिए वन क्षेत्रफल, तो देखिए
क्षेत्रफल तो इतना है, लेकिन कितने पे वन है दोस्तों, वन ही वन, जंगल ही जंगल बसे हुए हैं। तो 689.7 लाख हेक्टेयर, ठीक है। देखिए कुल का 19.45% इसका दोस्तों 20%, इसके 20% पर वन ही वन है। क्या है? वन ही वन है। वन का मतलब समझ जंगल। उसके बाद कृषि क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, तो इसी क्षेत्रफल का दोस्तों 47% कृषि है। क्या है? 47% क्या है? कृषि है। 122.6 मिलियन हेक्टेयर पे क्या होती है दोस्तों? कृषि होती है। और अगर बात करें कृषि में दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जो सींचे जाते हैं, सिंचित, तो दोस्तों 47%। फसल भूमि का 37% जो होता है दोस्तों, वो किसान ट्यूबवेल और बोरिंग वोरिंग जो करवाते नहीं गांव में, हाँ, तो उससे खुद सींच के फसल पैदा करते हैं। और वर्षा द्वारा सिंचित दोस्तों 63% है। कितना है? 63% है। कितना है? 63% है दोस्तों। मतलब कि भारत में अभी और ऐसे भी बहुत से राज्य हैं जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग बारिश का इंतज़ार करते हैं, जब बारिश होती है तभी खेती होती है। बाकी हम लोग के यहाँ तो, हम लोग यूपी में रहते हैं, आप जानते हैं यूपी पहली बात तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। 20 करोड़ हमारे यूपी की जनसंख्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे अगल बगल में, हम लोग के यहाँ खुद अलग से ट्यूबवेल है, अब यहाँ हमारे गांव में सब अलग से ट्यूबवेल है, बारिश का इंतज़ार नहीं किया जाता। जब पानी की फसलों को ज़रूरत होती है तो खुद से जो ट्यूबवेल है उससे सींच उस लेते हैं खेती, लेकिन बहुत जगह अप पर भी इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों राजस्थान है। देखिए क्षेत्रफल आपको हम राजस्थान मैप में अगर दिखाएँ, कहाँ गया मैप, ये रहा, देखिए ये राजस्थान है, ये भाग ये राजस्थान है, पूरा क्या है ये राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारी राजस्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दोस्तों उत्तर प्रदेश है, ये यूपी है, यूपी यही है, देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछेंगे दोस्तों ये सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ये गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। अभी और आगे भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, अभी जितना आपके लिए है उतना तो बताएंगे ही, लेकिन अगर फिर कभी आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो बहुत कायदे से चलेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपके सिलेबस में जितना है उतना तो हमें बताना ही पड़ेगा, ताकि आप लोग को कायदे से समझ में आ जाए, पेपर में कोई भी गलती ना हो और कायदे से आप लोग पास भी कर लें, ठीक है। अभी तो आप लोगों के लिए अपने लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए आगे है कि हमारा वही जो मैंने बताया कि क्षेत्र, जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, कमेंट करके बताइए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए जल्दी से क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या होगा? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य, मतलब दोस्तों उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा से लगता है, तो आपको इसको हम मैप में बताएंगे। तो देखिए आंसर तो उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। देखिए कैसे, ये हमारा रहा यूपी, अब देखिए इसकी सीमा किस किस राज्य से टच होती है, ये क्या है यूपी, ये बगल में बिहार है, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये क्या है दोस्तों उत्तराखंड है, क्या है उत्तराखंड, और ये दिल्ली, और यहीं पे क्या है दोस्तों हमारा, क्या था वो पता है आप लोगों को, वो था दोस्तों हरियाणा था, क्या था हरियाणा था, कौन सा रास्ता तो हरियाणा, देख लीजिए सबकी स्थिति कहाँ, देख लीजिए ये दिल्ली घुसा हुआ है बीच में, ये हरियाणा के अंदर कौन घुस गया, दिल्ली, ये क्या है उत्तराखंड है, ये हमारा यूपी खुद ही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और ये क्या है बिहार, ये दोस्तों एक अलग से देश है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो देखिए कितने राज्य हमारे यूपी को टच कर रहे हैं, एक, ये भी टच कर रहा है, इसे तो भूल ही गए हम लोग, टच कर रहा ना, ये देखिए थोड़ा सा ना, तो पहले गिनते हैं कितने राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए,
राज्य की बात कर रहा है, ध्यान रहे केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली जो है दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगर राज्य की बात करेगा तो 8 ही होगा, लेकिन कुल कितने टच करते हैं तो 9 भी आप बता सकते हैं यदि ऑप्शन में 8 नहीं रहा तो। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य दोस्तों कौन है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है। पहला उत्तराखंड देखिए आप कहाँ है, ये उत्तराखंड है। उसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश, क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश हरियाणा। उसके बाद देखिए राजस्थान, ये हमारा राजस्थान। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार, ठीक है। ये देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार, 8 राज्य टच करते हैं। दिल्ली दोस्तों जो हम लोगों ने गिना था वह केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारे दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं एवं उनकी राजधानी। तो सबसे पहले बता दूं कि हमारे दोस्तों भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, अभी के दौर में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। क्यों है दोस्तों, तो देखिए शुरुआती में हमारे भारत में 28 राज्य थे, तेलंगाना के बढ़ने की वजह से 29 हो गए, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जाने की वजह से फिर 28 हो गए हैं। देखिए जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कैसा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अगर हम राज्य की बात करें दोस्तों तो हमारे भारत में कुल मिला जुला के 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य हैं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या है, तो देखिए जो राज्य होते हैं दोस्तों उसको राज्य सरकार चलाती है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसको केंद्र सरकार चलाती है। जब जिस राज्य को मतलब जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल जाता है उसका सब काम दोस्तों केंद्र सरकार रखती है। उसमें वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं गवर्नर पाए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति उस गवर्नर की नियुक्ति करता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं अपने भारत के 2800 राज्य के बारे में। चलिए आइए आगे भी देखते हैं। तो देखिए हमारे भारत में कितने राज्य, सबसे पहला क्वेश्चन कमेंट करके बताइए हमारे भारत में कितने राज्य, बताइए कमेंट करके, और कितने केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जल्दी से चैट में बताइए, जल्दी 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 जल्दी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा राज्य, साक्षरता दर किस राज्य की सबसे ज़्यादा है और किस राज्य की सबसे कम है, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स बताइए, हम देख रहे हैं। चलिए फिलहाल अभी देखते हैं हमारे भारत के राज्य और राजधानी पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश, क्या दोस्तों 28 राज्य है ना, गिनिएगा 28 राज्य के बारे में पूरा बताएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, अमरावती है। क्या है, अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, याद कर लीजिएगा, राजधानी आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछेगा। आंध्र प्रदेश दोस्तों राजधानी क्या है, अमरावती। तो आप लोग अगर मैप में आंध्र प्रदेश को देखें तो दोस्तों ये है आंध्र प्रदेश, दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश, अपर भी नहीं दिखा, ये देखिए ये आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों अमरावती। असम की राजधानी दिसपुर, क्या है, असम की राजधानी दिसपुर, असम देखेंगे, ये है ये असम, और ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, असम की राजधानी दिसपुर। बिहार की राजधानी पटना, बिहार को कौन नहीं जानता, ये रहा बिहार, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अब इनको भी ना जाने तो किसको जानेंगे, क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने जन्म लिया था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये हमारा गुजरात है। फिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल देखिए, केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर इसी का है, ये रहा, ये यही केरल है, ठीक है, ये क्या है, केरल है। उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल, भारत से लगा हुआ, यूपी से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये जो ये चला है ना मध्य प्रदेश के अंदर, ये ललितपुर है, जिला है हमारे यूपी का एक। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्या है दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, ये देखिए तमिलनाडु, कन्याकुमारी, तमिलनाडु कन्याकुमारी यहीं पे है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र को कौन नहीं जानता, माया नगरी इसी को बोलते हैं, महाराष्ट्र, ये देखिए महाराष्ट्र, अच्छा लग रहा है देखने में, हाँ। चलिए आगे दिखाते हैं, अब बताइए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, क्या है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी क्या है,
बेंगलुरु। तो कर्नाटक देखेंगे आप लोग, ये रहा कर्नाटक हमारा, ये क्या है कर्नाटक है, ठीक है। उसके बाद देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, क्या है दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर, ये है उड़ीसा, ये देखिए ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश। देखिए हम आपको सब राज्य बताते हैं, केरल, इसको क्या बताया था तमिलनाडु, इसको क्या बताया था, क्या बताया था आंध्र प्रदेश, क्या बताया था आंध्र प्रदेश, ये क्या है तेलंगाना, इसको भी बता दिया क्या था कर्नाटक, ये क्या था महाराष्ट्र, मुंबई, मायानगरी, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, क्या है छत्तीसगढ़, ये क्या है मध्य प्रदेश, ये क्या है गुजरात, ये क्या है राजस्थान, ये क्या है हरियाणा, ये क्या है पंजाब, ये क्या है हिमाचल प्रदेश, ये क्या है उत्तराखंड, ये क्या है जम्मू कश्मीर, ये दूसरा देश है, ये क्या है बिहार, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, इसको क्या बताया अभी अभी बताया जस्ट असम, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है मेघालय, ये क्या है त्रिपुरा। इन तीनों दोस्तों में दोस्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, नाम तो कभी याद ही नहीं रहेगा। तो यदि जो बच्चे भी थोड़ा सा पढ़े होंगे प्लीज़ वो हमें 1, 2, 3 नंबर वाइज बताएं, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। जब आप आंसर लिखिएगा ना, लिखिएगा 1 जो भी बताइएगा, 2 जो भी बताइए, 3 जो भी बताइए, बाकी हम तो बताऊँ भाई करेंगे, आप भी कोशिश कर लीजिए, देखते हैं क्या बताते हैं, ठीक है। अभी देखिए फिलहाल हम लोग कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी क्या है बेंगलुरु। उसके बाद देखिए उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है भुवनेश्वर। पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों चंडीगढ़ है, क्या है चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश माना गया, ठीक है। पंजाब, पंजाब की राजधानी, ये पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है चंडीगढ़। फिर देखिए राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों जयपुर, क्या है जयपुर। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ है, क्या है दोस्तों लखनऊ, नवाबों का शहर। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, क्या है कोलकाता। अब ये देखिए पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल ही है, ये पूरा क्या है पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है कोलकाता। फिर नागालैंड, क्या है दोस्तों नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या होता है दोस्तों कोहिमा। आपको हम जो बता रहे हैं इस पर टिक लगाइए, ये नागालैंड। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एक प्रकार से आप त्रिपुरा काट दीजिए, बस तीन राज्य कौन कौन से, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। इन चारों की राजधानी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। तो देखिए सबसे पहले नागालैंड, अब बताइए नागालैंड से ऐसे याद करिए, अब नागालैंड यानी नाग, नागों का लैंड ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए जहाँ नाग है वहाँ कोहनी रहा तो होगा ही, तो उसे क्या बना लीजिएगा कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी कोहिमा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है, दोनों की राजधानी क्या है चंडीगढ़ ही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है शिमला है, क्या है दोस्तों शिमला, शिमला मिर्च जानते हैं ना हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों इम्फाल है, क्या है दोस्तों इम्फाल, इम्फाल मणिपुर की राजधानी क्या है इम्फाल, इम्फाल मणिपुर की राजधानी क्या है इम्फाल, इम्फाल मणिपुर की राजधानी क्या है इम्फाल। फिर देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, क्या है अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलांग है, और देखिए हिमाचल प्रदेश की शिमला और मेघालय की शिलांग याद रखिएगा। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक, क्या है गंगटोक। मिजोरम की राजधानी दोस्तों क्या है आइजोल है, क्या है आइजोल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों ईटानगर, क्या है ईटानगर। गोवा की राजधानी क्या है पणजी, पणजी गोवा, गोवा गोवा याद है ना गोवा, गोवा क्या है गोवा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है रायपुर, क्या है रायपुर। उत्तराखंड की राजधानी क्या है देहरादून। झारखंड दोस्तों रांची। तेलंगाना क्या है हैदराबाद, तेलंगाना क्या बताया हैदराबाद, और उसकी क्या बताया था तेलंगाना की दोस्तों हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की अमरावती, अमरावती हाँ दोस्तों। दरअसल डाउट ये था कि जहाँ अभी तक इन दोनों की राजधानी क्या थी, इन दोनों की राजधानी हैदराबाद ही थी दोनों की, बट अभी हाल ही में बदला है, ठीक है। अब क्या हो गई उसकी अमरावती हो गई, उसकी क्या हो गई मतलब आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद अपर भी है। तो दोस्तों जो मैंने तीन राज्य बताने के लिए कहा था आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मणिपुर, फिर क्या होगा सबसे पहले नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ठीक है।
क्या क्या बताया दोस्तों, अभी आप बताइए इसे याद कैसे करें कि देखिए है यहाँ पे तीन ही राज्य, एक तो मणिपुर होगा, एक नागालैंड, एक मिजोरम, लेकिन कौन सा किसको स्थान, तो सबसे पहले नाग आएगा, क्या आएगा दोस्तों, अब ये नाग मणि देगा तो यहाँ मणिपुर हो जाएगा, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अब एक बचा जो हमारा उसको मिजोरम कर दीजिए, ठीक है, एक ही राज्य बस ही रहा, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आई होप आप लोगों ने उत्तर सही दिया, जिनको पता था ठीक, और जिनको नहीं पता उससे भी ज़्यादा ठीक, जिनको नहीं पता वो हमसे जान ले, क्योंकि दोस्तों जब आपको कुछ नहीं पता होगा तो आपको और जो हम बता देंगे वो आप मान लेंगे, अन्यथा यदि आप कहीं से पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में और कुछ चलेगा यार पता नहीं क्या, समझ रहे हैं ना, तो ये तीन राज्य पता चल गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर कन्फ्यूज़न होगी ये पंजाब, ये हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, ये हरियाणा, हरियाणा के अंदर का बसा हुआ है दिल्ली, आई होप ये 2800 राज्य थे सबकी राजधानी आपको पता चल गई हो। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित या संघ शासित दोनों एक ही चीज़ है, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी, ठीक है दोस्तों, आपको इनका भी पोजीशन दिखाएंगे कि कहां कहां पे हैं ये लोग, सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली आप देखेंगे कि यहां दिल्ली नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको दिल्ली तो दिखाया ही था, देखिए दिल्ली, ये हमारा दिल्ली है जो छोटा सा है, गोवा से बड़ा है ये, लेकिन दिल्ली, ठीक है, उसके बाद देखिए दिल्ली की राजधानी दोस्तों दिल्ली ही है, दिल्ली हमारा एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देखिए ये जो एकदम छितरा गया है ना, मतलब जो एकदम से ऐसे दूर दूर होके फैल गया है ना, ये क्या है, ये अंडमान है, ये निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों को मिलाकर बोला जाता है, और इधर दिख रहा है ये बूंदी 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना अभी, तो दोस्तों ये लक्षद्वीप है, क्या है, लक्षद्वीप, ये भी दोनों भारत के क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, तो देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है, क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप की कवारत्ती है, क्या है दोस्तों, कवारत्ती, व्हाट, क्या है, कवारत्ती, अब देखिए दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों, सिलवासा है, क्या है, दादर और नगर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों, सिलवासा, ये देखिए ये दिख रहा है, ये दादर एवं नगर हवेली, उसके बाद देखिए दमन एवं दीव, तो दोस्तों देखिए एक भाग तो इसका यहाँ है और एक भाग इसका कहीं और है, यहाँ समझ में नहीं, बहुत छोटे से है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो देखिए दमन यहाँ होगा, दीव और कहीं है, तो उन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, दमन एवं दीव बोला जाता है, ठीक है, रुक जाइए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो पता चला कि नहीं क्या, कि दादर एवं नगर हवेली ये जो घुसा हुआ है ना गुजरात के, यही दादर एवं नगर हवेली, और देखिए ये दमन है और दीव हमारा ये है, तो इन दोनों को मिला के दोस्तों दमन एवं दीव बोला जाता है, जिसकी राजधानी क्या है, दमन है, क्या है, दमन, देखिए पहले ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी हाल ही में इन दोनों को एक कर दिया गया, किसको, दमन और दीव को, अब देखिए पुदुचेरी, पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी है, पुदुचेरी कोई एक जगह नहीं है, कोई हम आपको एक जगह पुदुचेरी का नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों पुदुचेरी तीन जगहों में है, तो सबसे दोस्तों जो रियलिटी वाला पुदुचेरी है वो ये है, ये देखिए, ठीक है, ये दिख रहा है, ये पुदुचेरी, पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी के दोस्तों तीन भाग हैं, ठीक है, आप देखिए उसके बाद कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए ना, अभी बचा होगा क्या, चंडीगढ़ बचा है और लद्दाख, और क्या बचा, श्रीनगर, चलिए उसको भी दिखाते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक क्या है, चंडीगढ़, और जहाँ आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर क्या था दोस्तों, पहले एक राज्य हुआ करता था, अभी हाल ही में इसका भी बंटवारा करके क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना गया, तो अब देखिए जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक को जम्मू कश्मीर बोला गया और दूसरे को लद्दाख बोला गया, तो दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो देखिए तीन और इधर कितने हैं, छः, ठीक है, तो छः हमारे क्या हैं दोस्तों, छः हमारे क्या हैं, केंद्र, सॉरी नौ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, नौ है, और राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, ये जानते हैं बढ़ गए, पहले इतने नहीं थे, पहले 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे, और बाद में जो वो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नौ नहीं आए होते तो 7 थे, ठीक है,
तो उससे पहले तो 8 थे, जब दमन एवं दू को मिलाया गया तो 1 कम हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि राज्यों की संख्या हमारे भारत में कितनी, 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों कितनी कितनी, कमेंट करके बताइए कितनी होगी, जल्दी बताइए। आई होप बता दिया होगा कितनी है, तो मैं बता दूं 9 है। तो देखिए, नदियों के किनारे बसे हुए नगर, अब दोस्तों ऐसे नगर जो नदी के किनारे पे बसे होंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? यमुना। आप जब आगरा में ताजमहल देखने जाइएगा ना, तो अगर ये ताजमहल है तो इसी के पीछे यमुना नदी बहती है। क्या बहती है? यमुना नदी बहती हुई ऐसे चली जाती है, और इधर ब्लैक ताजमहल। अब दिखेगा तो है नहीं, खाली ढांचा बना हुआ, ताजमहल नहीं बना हुआ है। इतने में उनका बेटा औरंगजेब उन्हें ले गया उठा के जेल। उसके बाद देखिए औरंगाबाद, औरंगाबाद दोस्तों कोयना नदी के तट पे है। कहाँ है? कोयना। कटक दोस्तों महानदी के तट पे है। कहाँ है? महानदी। हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा नदी के तट पे। नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पे है। कहाँ है? गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पे क्या है दोस्तों? नासिक है। श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के तट पे है। श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू एवं कश्मीर की। तो श्रीनगर किसकी, किस नदी के तट पे है? झेलम। और डिब्रूगढ़ दोस्तों ब्रह्मपुत्र। कोटा दोस्तों कोटा चंबल। कोटा आप जानते हैं कोटा कहाँ है? राजस्थान में है कोटा। उसके बाद देखिए पटना, पटना, पटना किस नदी के तट पे है? गंगा। अहमदाबाद, साबरमती, साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद। सब साबरमती गुजरात में, गाना सुने ना, साबरमती के चरणों ने है कर दिया कमाल। तो गांधी जी साबरमती, अहमदाबाद, ये सब बहुत जाने पहचाने हैं। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी, हुगली नदी कौन? हुगली नदी। गुवाहाटी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है। जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी, क्या है? नर्मदा। और मदुरई दोस्तों बैगाई नदी, बैगाई नदी। मदुरई बैगाई, मदुरई बैगाई, मदुरई बैगाई। पणजी दोस्तों मांडवी, कौन सी नदी? मांडवी। जुआरी, सरावती, तीन नदियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है दक्षिण की ओर। सूरत दोस्तों ताप्ती या फिर तापी नदी, दोनों एक ही चीज़ है, चाहे ताप्ती कहिए चाहे तापी। सूरत किस नदी के तट पे है? किस नदी पे? तापी। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? मूसी नदी। सांभलपुर दोस्तों महानदी के तट पे है। किसके? महानदी। और लखनऊ दोस्तों गोमती नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। लखनऊ किस नदी के तट पे है? गोमती नदी, गोमती नदी। चलिए आगे भी दिखाते हैं, वो जो थे प्रमुख उनको बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे भारत की प्रमुख नदियाँ। देखिए भारत में हमारे सैकड़ों नदियाँ बहती हैं। बहती क्यों हैं? अच्छी तरीके से। अभी देखिए मैंने क्या बताया, जियोग्राफी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। आप विश्वास नहीं करेंगे जब आप पढ़ेंगे भारत कहाँ से बना, तो आपको पृथ्वी की उत्पत्ति से पढ़ना पड़ेगा। पहले हमारा भारत उस स्थान पे था ही नहीं, हमारा भारत तो अफ्रीका से टूट के गया है। तो जितना भाग अफ्रीका से टूटा है, और फिर उधर ऊपर हिमालय बन गया टकराने की वजह से, तो अफ्रीका से टूटा उसमें प्रायद्वीपी भारत का पठार है, वहाँ नदियाँ पहले से ही बहती थी, और जो ऊपर हिमालय बन गया उससे अब नई नई नदियों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों हम कुछ प्रमुख नदियों, देखिए ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भाई चर्चा उनकी होती है जो प्रसिद्ध होते हैं, हमारी आपकी तो होगी नहीं, कि होगी नहीं होगी ना, चर्चा उन्हीं की होती है जो प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले प्रसिद्ध सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है दोस्तों? मानसरोवर, मानसरोवर झील के समीप स्थित सनोखिया बाब हिमनद से। मुहाना, मुहाना या फिर संगम दोस्तों, संगम मतलब होता है मिलना, और मुहाना मतलब ख़त्म होना। तो दोस्तों ये सिंधु नदी जाके अरब सागर में गिर जाती है, एक चीज़ तो बताया ही नहीं। अब देखिए आप मान सकते हैं करीब इतना भाग, और ये सब नहीं, ठीक है, ये सब नहीं, इतना भाग हमारा कट के आया है भारत का, इतना भाग पहले नहीं था भारत, इतना प्रायद्वीपी भारत से कटा, ऐसे गया, जुड़ गया। तो अब देखिए हम क्या बता रहे थे, हाँ ये अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। हमारा भारत तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। नीचे इसके क्या है? हिंद महासागर। ये क्या है? अरब सागर। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी पूरा, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, इसीलिए इसको प्रायद्वीपी भारत बोला जाता है, प्रायद्वीपी। ये क्या है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? अरब सागर। ये क्या है? हिंद महासागर। अभी इसके आगे मैप ख़त्म है, लेकिन अभी और मिलेगा ना जब जुड़ जाएगा। तो यहाँ इसके नीचे क्या है?
हिंद महासागर। तो देखिए सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, अपने भारत से नहीं निकलती, चीन से निकलती ऐसे जम्मू कश्मीर से घूमते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और इधर आके ऐसे गिर जाती है। तो कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है? 2880। लेकिन हमारे भारत में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले तो बात तो ये चीन से निकलेगी, फिर भारत में प्रवेश करती और फिर पाकिस्तान में चली जाती। तो ज़्यादा लंबाई भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 है। फिर दोस्तों गंगा नदी का कोई एक उद्गम स्थल नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक किसी स्थान से नहीं निकलती है। ये जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उनको ही गंगा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गंगा कह देते हैं। उन्हीं के संगम को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? गंगा। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसे देवप्रयाग बोलते हैं, और वहीं से उसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ है? देवप्रयाग। और आपको बता दें कि देखिए गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय से निकलते हुए ऐसे 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 बिहार, फिर ये ऐसे जाके यहाँ गिर जाती है। बांग्लादेश में भी जाती है, जिसको पद्मा कहते हैं। ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे गिर जाती है। तो ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो उसका मुहाना क्या है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी की कुल लंबाई दोस्तों 2525 है, मतलब 2525। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों मानसरोवर झील के समीप स्थित चेमा युंगुदुंग हिमानी से निकलती है, यहीं चीन से ही ये भी निकलती है। कौन? ये ऐसे आएगी, ये बहुत तगड़ा है, ऐसे घूम के आएगी अभी। कौन? ब्रह्मपुत्र ऐसे आएगी। ठीक है, ऐसे ये भी गिर जाएगी। और बंगाल की खाड़ी, इसका उद्गम स्थल 2900 इसकी क्या है? कुल लंबाई है। लेकिन क्या फ़ायदा है इतनी लंबाई होने का? क्या फ़ायदा? पहले तो ये इतने दूर चीन में, फिर ऐसे भारत में आती है, अब वहाँ चलेगा कहाँ? ऐसे आएगी, फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है, फिर ये गिर जाती है। भारत में ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं है। उसके बाद दोस्तों सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से, कहाँ से निकलती है? राकस ताल से। चेनाब नदी में ये जाके मिल जाती है, सतलज से जाती रहती है चेनाब में जाके मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जब दो नदियाँ एक साथ मिल जाती है ना, जैसे मान लीजिए इधर से कोई एक नदी आ रही, इधर से कोई, अब मान लीजिए इधर से कोसी नदी, ऐसे थोड़ा फिगर दिखा, इधर से कोसी नदी आ रही ही है, उधर से गंगा नदी आ रही। अब ये कोसी नदी यदि इसमें मिल जाएगी तो अब बताइए कोसी नदी मानी जाएगी गंगा नदी? तो दोस्तों जो ज़्यादा गहरा होगा, ठीक है, जो ज़्यादा गहरा होगा वही नदी मानी जाएगी। तो कोसी नदी दोस्तों ज़्यादा गहरी नहीं है, गंगा ज़्यादा गहरी है। तो फिर यहाँ कोसी इसी में क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी। इसको सहायक नदी बोल देंगे, कि गंगा की सहायक नदी क्या है? कोसी नदी भी है। अब आगे भी इसका नाम क्या रहेगा? गंगा ही रहेगा। तो जो सतलज नदी है वो जाके बाद में चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 1007। रावी नदी देखिए कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप, कहाँ दोस्तों? ये दर्रे से निकलती है, ये भी जाके चिनाब नदी में मिल जाएगी। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। फिर देखिए ब्यास नदी दोस्तों रोहतांग दर्रे के समीप तल से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तल से निकलती है। ये सतलज नदी में जाके मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों यमुना नदी, कौन सी नदी? यमुना नदी बंदरपुच के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से, कहाँ से दोस्तों? यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, हिमालय से। और प्रयाग में गंगा नदी में आके क्या हो जाती है? मिल जाती है। हम लोग का कहाँ रहते हैं? मैं, हम लोग का तो नहीं पता, लेकिन मैं दोस्तों प्रयागराज में ही रहती हूँ। हर साल हम लोग मतलब संगम भी जाते हैं स्नान करने के लिए। ठीक है, इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर। उसके बाद देखिए चंबल नदी, एमपी में माहू के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से, कहाँ से? एमपी बताया ना, ये रहा है ये माहू के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से ये चंबल नदी जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी। तो चंबल नदी को यमुना नदी का सहायक नदी बोला जाता है। इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में। तो ठीक है, उसके बाद अभी कुछ और है उसे भी बताते हैं। देखिए गंडक नदी दोस्तों नेपाल से निकलती है, कहाँ से निकलती है? नेपाल से, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंडक भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। कोसी नदी दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी, हर साल बिहार में बाढ़ ला देती है, हर साल बिहार को ले डूबती है कोसी नदी। गोसाई धाम चोटी के उत्तर में गंगा नदी में ये भी जाके मिलती है, 700
30 किलोमीटर इसकी लंबाई। सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में ये भी जाके मिलेगी 780। ये तीनों गंगा की सहायक नदियाँ हैं, गंडक भी जाके गंगा में मिल जाती है, कोसी भी सोन। अब कृष्णा नदी दोस्तों महाबलेश्वर के समीप स्थित घाट महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से और जाके कहाँ लंबाई कितनी है 1327 किलोमीटर। तो दोस्तों ये हमारे भारत की प्रमुख नदियाँ थी जिनके बारे में बता दिए कि कहाँ से कौन सी निकलती है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती, कितनी लंबाई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो गंगा नदी। बहुत लोग सोचते हैं कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकल, बचपन से ही सीखा गंगा गंगोत्री से निकलती, ऐसा कुछ नहीं है। अब जरूर अब हम लोग जब छोटे रहते हैं तो इमली के पेड़ को आम बताया जाता है, हाँ ये आम है मान लेते हैं क्योंकि भाई उस समय हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। देखिए जो मेमोरी खाली है उस मेमोरी में चीज़ें लोड करने में टाइम नहीं लगता, ना कोई परेशानी होती, जिसमें पहले से ही गिचिर पिचिर डाला हुआ है उसमें आप लोड करेंगे वक्त तो और टाइम, और शायद जाए भी कि ना जाए, और जाए भी तो सही से काम करे कि ना करे। तो जब हम लोग छोटे रहते तो हम लोग की मेमोरी एकदम खाली रहती, कुछ हम लोग को पता नहीं रहता, बता देते हैं गाली भी सिखाते हैं तो गाली भी सीख लेते हैं, जो बताते हैं वो कर लेते हैं, बता देते हैं आम का पेड़ है कटहल फल रहा है तो हाँ ये कटहल ही है मान लेंगे क्योंकि हम लोगों से जो बताया जाएगा वही तो, और बच्चे हम ही से सीखते हैं। अब देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है देखिए दर्रे तो बहुत से हैं लेकिन केवल प्रमुख की बात करने वाले हैं। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पाया जाए दोस्तों, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड। तीजू मणिपुर। बस इतने ही दर्रे थे लेकिन और भी बहुत से दर्रे हैं, मैंने क्या बताया। अगर आप लोग के साथ यूं ही बरकरार रहा दोस्तों चैनल जल्दी ही ग्रो करेगा तो हम जियोग्राफी भी आप लोगों को पूरा एकदम कायदे से पढ़ाएंगे। ये तो कुछ प्रमुख सीएचएस के लिए, और क्या ज़्यादा बताया जाए क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ही बहुत हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब मटेरियल ज़्यादा हो जाता है ना तो उसको हम लोग मुँह के रास्ते ही निकाल देते हैं, ठीक है बर्दाश्त नहीं होगा। तो काराकोरम जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर, बाड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड, तीजू दर्रा मणिपुर, ठीक है ये तो दर्रे थे। अब देखिए भारत के कुछ अन्य तथ्यों की जानकारी, ठीक है जैसे कि भारत के प्रमुख शिखर एवं चोटी। भारत के प्रमुख शिखर क्या दोस्तों, शिखर। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों माउंट एवरेस्ट भारत में है ही नहीं, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पे है। कहाँ है, नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पे। 8850 इसकी क्या है ऊंचाई, 8850 मीटर। पहले 48 थी, हिमालय दिन पे दिन बढ़ रहा है तो अब कितनी हो गई 50 हो गए। माउंट केटू गाडविन आस्टीन ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, केटू गाडविन आस्टीन है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद देखिए कंचनजंगा दोस्तों नेपाल और भारत की सीमा पर है, 8598 मीटर। धौलागिरी दोस्तों कहाँ है, नेपाल में है 8172। नंगा पर्वत दोस्तों भारत में है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा दोस्तों कहाँ है, नेपाल में है 8078। नंदा देवी दोस्तों कहाँ है, भारत में है 7817। और माउंट कामेट दोस्तों कहाँ है, भारत में है 7756। तो ये दोस्तों भारत के प्रमुख शिखर थे, क्या थे शिखर, प्रमुख शिखर, ठीक है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी माउंट केटू गाडविन आस्टीन है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा देवी है, यही सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऊंचाई याद रखिएगा, पूछ लेगा हमारे माउंट एवरेस्ट की ऊँचाई कितनी 8845, केटू गाडविन आस्टीन की ऊंचाई कितनी 8611 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, जलप्रपात के बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो मेन टॉपिक वो है कि ये जलप्रपात क्या होता है, आपको बताएं। ये मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ से कोई नदी आ रही है, ठीक है अब यहाँ से कोई नदी आएगी और आप बताइए यहाँ नीचे ऐसे खाल है मतलब ढलान, तो यहाँ से घस से गिरेगी तो दोस्तों यहाँ जलप्रपात बन जाता है, क्या बन जाएगा जलप्रपात, तो वही ठीक है यही जलप्रपात है। तो जो भारत के प्रमुख जलप्रपात है वो कौन से, सबसे पहले कुचिकल जलप्रपात, इसकी ऊंचाई दोस्तों 455 किलोमीटर है। वराही नदी कौन बनाती है, वराही किस राज्य में बनाती है, कर्नाटक। और जोग जलप्रपात कौन सा दोस्तों, जोग जलप्रपात 260 किलोमीटर। सरावती नदी बनाती है, कहाँ बनाती है, कर्नाटक राज्य में। और एना जलप्रपात दोस्तों 180 किलोमीटर, नदी का नहीं पता, और महाराष्ट्र में बनाती है, कहाँ बनाती है, महाराष्ट्र में।
रकीम कुंड दोस्तों 168 किलोमीटर गाई घाट बनाती है, कौन सी नदी, गाई घाट बिहार में। हुडरू दोस्तों इसका ऊंचाई नहीं पता है, स्वर्ण रेखा नदी बनाती है झारखंड में, बनाती है कहाँ बनाती है, झारखंड में। चेचई दोस्तों, चेचई 127 किलोमीटर है, बीहड़ मध्य प्रदेश, कौन बनाती है, बीहड़, वो भी कहाँ, मध्य प्रदेश में। केवटी दोस्तों, केवटी 98 किलोमीटर है, महाना नदी बनाती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम दोस्तों 90 किलोमीटर है, कवारती नदी बनाती है कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। तो ये भारत के प्रमुख जलप्रपात से, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जोग जलप्रपात है, कौन सा है, जोग और कुंचिकल, जोग और कुंचिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों कर्नाटक राज्य में ही है, बराही और शरावती नदी। अब देखिए भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं, क्या दोस्तों, भारत की प्रमुख झील, तो देखिए बुलर डल बुरल डग पोगांग सो कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। झील जानते हैं ना दोस्तों, देखिए झील, देखिए तालाब से बड़ी झील होती है, तालाब तो देखा ही होगा ना, उससे भी बड़ी क्या होती है, झील होती है, जब तालाब से और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे झील का नाम देते थे। तो बुलर झील डल झील पोगांगसो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नैनीताल और भीमताल कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में। नैनीताल और भीमताल झील कहाँ, उत्तराखंड में। वेम्बनाद कयाल और अष्टमुदी झील कहाँ है दोस्तों, केरल में है, कहाँ है, केरल में। कोलारी और पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। सांभर पुष्कर निक्की झील कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है, कहाँ है, राजस्थान में। लोनार झील कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, कहाँ है, महाराष्ट्र में। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों, मणिपुर में है, कहाँ है, मणिपुर में। साल्ट लेक कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में है, कहाँ है, कोलकाता में। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है, कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चिल्का झील, लोकटक झील, मणिपुर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लोकटक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस झील में एक तैरता हुआ, मतलब दोस्तों क्या ही बताएं आप लोगों को, इस पे तैरता हुआ मतलब एक प्रकार से दोस्तों एक गांव पाया जाता है जो कि तैरता रहता है इधर से उधर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, कभी बताऊंगी इसके बारे में विस्तार से, अभी जान लीजिए बस। उसके बाद सुखना झील दोस्तों चंडीगढ़ में, कहाँ, चंडीगढ़ में। परशुराम कुंड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आइए आगे देखते हैं। फिर देखिए निजाम सागर झील दोस्तों हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में। उसके बाद उमियम झील दोस्तों मेघालय में, कहाँ है, मेघालय में। फुलकर झील दोस्तों उत्तर प्रदेश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में अभी यही एक झील मिली हम लोगों को, कौन सी, फुलकर झील। उसके बाद देखिए भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहले देखिए फसल और उत्पादक राज्य, वो भी घटते क्रम। चावल दोस्तों सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, घटते हुए क्रम में, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो चावल के दोस्तों प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। गेहूं के दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। गेहूं दोस्तों उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन के मामले में सबसे पहले स्थान पर आता है। गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास दोस्तों सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आंध्र प्रदेश। जूट कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में। फिर कॉफ़ी कहाँ पे सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में, केरल में, फिर तमिलनाडु में। रबड़ सबसे ज़्यादा दोस्तों केरल में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक। रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर असम में। तंबाकू सबसे ज़्यादा दोस्तों गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक में। चाय असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। ये प्रमुख फसलें थी और ये इनको पैदा करने वाले राज्य थे। तो दोस्तों अभी और आगे भी बचा हुआ है, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर कर देते हैं, ठप लगाते हैं फुल स्टॉप, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा बड़ा तो आएगा नहीं हम लोगों को मज़ा, है ना। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अब लाइक करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी ज्योग्राफी का और भी चीज़ें बची हुई हैं जो कि आपको अगले वीडियो में मिलने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, अब पर भी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूँ आप लोग बताना चाहेंगे तो चलिए बताइए। सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, जल्दी से लाइव चैट में उत्तर दीजिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का
लिंगानुपात कितना है दोस्तों, भारत का लिंगानुपात कितना है, सब सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, बताइए जल्दी बताइए जल्दी 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 जल्दी। फुलहर झील किस राज्य में पाई जाती है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, भुवनेश्वर किसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में कितने राज्य हैं, सबका उत्तर जल्दी 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 दीजिए दोस्तों। यदि वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ज्योग्राफी की अगली क्लास में इस सीरीज को हम लोग बढ़ाएंगे आगे।